Hey there and once again, welcome to WS Cube Tech. Myself Bhagirath Giri. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक मॉडल बनाते हैं MongoDB की मदद से और उस मॉडल के अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट का स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं। सो गाइज, अगर आपने MongoDB के बारे में पहले पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि MongoDB में हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जो कि MySQL के टेबल से रिजेंबल करते हैं। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए हमें मॉडल को बनाना पड़ता है और मॉडल को बनाते टाइम हम लोग एक मॉडल व्यू और कंट्रोलर वाली अप्रोच फॉलो करते हैं और हम एक मॉडल बनाते हैं, फिर कंट्रोलर के साथ उसको कनेक्ट करके हम अपने ऑपरेशंस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉडल बनाना सीखने वाले हैं और जो टेबल या जो डॉक्यूमेंट हम लोग बनाने वाले हैं वो होने वाला है हमारा यूजर्स का डॉक्यूमेंट। ओके, अब इस यूजर्स के डॉक्यूमेंट में ये सारे के सारे कॉलम्स हमें चाहिए रहेंगे, ये सारी सारी फील्ड्स हमें चाहिए होगी, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, कॉन्टेक्ट है, जेंडर, एड्रेस, स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ये सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हम किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं या किस तरीके से इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, MongoDB पे जाके हमें अपना अकाउंट सेटअप कर लेना है और एक डेटाबेस यानी एक क्लस्टर बना लेना है, जो मैं पीछे एक वीडियो में समझा चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग MongoDB को हमारे नोड एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमने एक नोड एप्लीकेशन भी बना रखा है और यहाँ पर मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम है index.js। नेक्स्ट मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा और यहाँ मैं करूंगा npm init। ठीक है, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं एक पैकेज में कन्वर्ट करने वाला हूँ या इस प्रोजेक्ट को मैं एक नोड के प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। पहले अब तक ये सिंपली क्या था, एक फोल्डर था। जैसे ही npm init लिखा, package.json आ गई और package.json आते ही ये एक नोड का प्रोजेक्ट बन गया। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, तो नेक्स्ट हम लोगों को जाकर टर्मिनल फिर से ओपन करना है और टर्मिनल मैं क्लीन कर लेता हूँ और यहाँ लिखना है npm i एंड mongoose। ठीक है, mongoose क्या होता है, तो mongoose एक पैकेज है नोड का जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, MongoDB और नोड को कनेक्ट कर सकते हैं। MongoDB हमारा कहीं पर और क्लाउड सर्वर पर चल रहा है और नोड हमारा यहाँ पर लोकल पर चल रहा है, तब भी हम इनके बीच में कनेक्टिविटी करवा सकते हैं और बाकी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो npm i mongoose को जैसे हम लोग चलाएंगे, एक तो ये हमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर दे देगा जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ काफी सारे हमारे काम की चीजें आ चुकी है, जहां पर mongoose भी एज अ पैकेज आ चुका है और यहाँ पैकेज लॉग जेसन भी बन गई है। इसका मतलब कि ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम लोग npm i एंड nodemon नाम से एक पैकेज है जिसको ग्लोबली इंस्टॉल करने वाले हैं। आई होप अगर आप नोड पर काम करते हैं तो nodemon के बारे में आपको पता होगा। और अब nodemon वाले पैकेज को हम लोग यूज करते हुए इस फाइल को यानी index.js को रन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो काम है वो मैं package.json में जाके करूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पर जो टाइप है उसको मॉडल प्रेफर करता हूँ, कॉमन js प्रेफर नहीं करता हूँ। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, मॉडल में कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, तो नेक्स्ट हमें यहाँ लिखना है इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, यानी mongoose वाले पैकेज से हमें mongoose नाम का ये वेरिएबल इम्पोर्ट करना है। चलिए, तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं और nodemon इंडेक्स में यहाँ लिख देता हूँ, मतलब nodemon की मदद से मैं इंडेक्स वाली फाइल को रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंसोल लॉग लिखकर मैं हेलो प्रिंट करता हूँ और देखते हैं कि हेलो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो हेलो प्रिंट हो रहा है, इट मींस कि ये जो हमारी फाइल है वो सक्सेसफुली चल रही है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे अवेट mongoose.connect। अवेट इसलिए करना है बिकॉज जब आप ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे होंगे, इन दैट टाइम हो सकता है कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो नेक्स्ट लाइन पर चली जाए और इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश होने में हो सकता है 1 सेकंड लग रहा हो, तो हमें वहां पर अवेट करवाना है यानी वेट करवाना है एंड mongoose.connect एंड कनेक्ट के अंदर हमें यहाँ एक स्ट्रिंग पास करनी है। अब ये जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से मिलेगी, तो मैं MongoDB क्लस्टर पे आ गया और कनेक्ट पे यहाँ क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैं अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाहता हूँ और वो मेरा एक Node.js एप्लीकेशन है और यहाँ से मैं कॉपी करके ये स्ट्रिंग उठा लेता हूँ कनेक्शन की। ओके, नेक्स्ट हम इसको यहाँ पास कर देंगे, यानी ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी यहाँ आ गई। हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। तो यूजर नेम पासवर्ड मैं अपने जनरेट कर चुका हूँ, तो वो यूजर नेम पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये मेरा यूजर नेम है और ये एंगुलर ब्रैकेट्स हटा देने हैं हमें, और जो हमारा पासवर्ड है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है और देन आपको लिखना है देन एंड कैच, बिकॉज mongoose.connect आपको क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और उस प्रॉमिस में या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होता है या फिर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं कंसोल लॉग करवा कर, अगर प्रॉमिस मेरा रिजॉल्व हो जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजॉल्व, अगर मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो मैं यहाँ लिखूंगा कनेक्शन डन। ठीक है, या कनेक्टेड टू MongoDB, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और
कैच में हम लोग क्या करेंगे, कैच में हम लोग को ये एक एरर देता है, मतलब मुझे एक रिजेक्ट मिलता है और मैं यहाँ फाइनली लिख दूंगा अनेबल टू कनेक्ट। ठीक है, या तो मेरा कनेक्शन हो जाएगा या फिर मेरा कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर कनेक्शन हो जाता है तब तो देन चलेगा, और कनेक्शन नहीं हो पाता है तो कैच चलेगा। अब मेरा क्योंकि कनेक्शन हो चुका है तो देन में जा रहा है, और नहीं हुआ होगा तो कैच में जाएगा, और ये कंसोल लॉग यहाँ प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए फिर से चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कनेक्शन डन और फिर हेलो प्रिंट हो रहा है। व्हाट इफ मैं यहाँ से अवेट हटा दूं। ठीक है, अवेट हटा दिया हमने। अब आप देखोगे पहले हेलो दिख रहा है फिर कनेक्शन डन दिख रहा है। तो ये जो अवेट है ना, वो आपके जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन को रोक के रख रहा था कि इससे आगे नहीं जाना है जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता। सो अगेन यहाँ पर आपको अवेट लगा देना है, और ये हमने यहाँ अवेट लगा दिया। तो इट मीन्स मेरा कनेक्शन हो चुका है, और ये ग्लोबली कनेक्शन में कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब हमें क्योंकि मॉडल व्यू और कंट्रोलर वाली अप्रोच फॉलो करनी है, तो हम यहाँ मॉडल्स नाम से एक फोल्डर बना लेंगे, और इसके अंदर हम बना रहे हैं users.js। ठीक है, user.js मॉडल्स वाले फोल्डर में हमने user.js बनाई, और ये क्या है, मेरा मॉडल बन रहा है। अब मैं यहाँ फिर से मोंगूस को इम्पोर्ट करूंगा, और मोंगूस की मदद से मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक स्कीमा बनाने वाला हूँ। एक्चुअली गाइज ये मॉडल तो बन रहा है, बट मॉडल में पहले हमें स्कीमा बनाना पड़ता है, फिर मॉडल को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, यहाँ पर हम लोग एक स्कीमा बना ले। तो हमने लिखा कॉन्स्टेंट स्कीमा इज इक्वल टू मोंगूस डॉट स्कीमा। ठीक है, मोंगूस डॉट स्कीमा आपने यहाँ पर कॉल कर दिया। इससे क्या होगा, मोंगूस का जो स्कीमा वाला ऑब्जेक्ट है, या मोंगूस एक ऑब्जेक्ट, और जो स्कीमा वाला हमारी प्रॉपर्टी, स्कीमा जो प्रॉपर्टी है वो हमारी इस वेरिएबल में आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं, बट मोस्टली मैं ऐसे प्रेफर करता हूं कि हम पहले स्कीमा नाम से एक वेरिएबल बनाएं, और फिर हम यहां पर बनाएं यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू स्कीमा। ठीक है, यूजर स्कीमा इक्वल टू न्यू स्कीमा, और इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे। इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो ये मैंने जैसे पहले से लिस्ट कर रखी थी, मुझे नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें चाहिए। तो हम यहां पर आएंगे और हम लिखेंगे नेम इज अ की एंड इट्स टाइप इज स्ट्रिंग। नाम क्या है, एक स्ट्रिंग है। ओके, जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी हो सकती है, तो किसी भी यूजर का नाम बड़ा से बड़ा 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है, और ये हम लोगों को नल नहीं रखवाना है। ठीक है, एज वेल एज ईमेल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, सो ईमेल क्या होता है, ईमेल भी एक स्ट्रिंग है, तो इसका भी टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। और लेंथ इसकी कितनी हो सकती है, तो लेंथ हो सकती है 100 कैरेक्टर्स की। ठीक है, इतना बड़ा भी ईमेल नहीं होता, बट हमने एक लिमिट रख दी है, 50 कैरेक्टर्स हम लोग रख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर। तो अगर मैं इंडिया को कंसिडर करते हुए देखूं, तो हम लोग यहाँ इसको भी टाइप तो स्ट्रिंग रखेंगे, बिकॉज हमें +91 भी ऐड करना होगा, बट इसकी जो लेंथ है वो हम कितनी रख सकते हैं, तो 10 डिजिट का तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, और +91 हमारा कंट्री कोड, यानी 31 कैरेक्टर्स को मैं यहाँ अलाउ करने वाला हूँ, या एटमोस्ट अगर आप किसी भी कंट्री को देखते हो तो 15 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 13 कैरेक्टर्स नहीं 15 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कॉन्टेक्ट के बाद हमारा जेंडर है। जेंडर में हम लोग तीन ही चीजें स्पेसिफाई करेंगे, बिकॉज जेंडर में हम लोग क्या करने वाले हैं, रेडियो बटन्स देने वाले हैं फ्रंट एंड की साइड पे। तो बैक एंड में मैंने बोल दिया कि ये भी एक स्ट्रिंग ही होने वाली है, बट ये जो स्ट्रिंग है वो क्या होगी, एक इनम होगी। ठीक है, और इनम में हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट, एक एरे पास करना है, जिसमें हमने रख दिया एम एफ, या हम लोग यहाँ पर ओ रख सकते हैं। ठीक है, तो तीन में से यूजर कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, हम यूजर को एक ऑप्शन देंगे, और डिफॉल्ट में हमें कुछ भी नहीं रखना, बिकॉज हम किसी भी यूजर का बाय डिफॉल्ट कोई जेंडर यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने लोगों ने इनम यानी एक सेट पास कर दिया कि इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं जाएगी। सिमिलरली जेंडर के बाद में हमें एड्रेस चाहिए और स्टेटस चाहिए, तो हमने लगा दिया एड्रेस। एड्रेस क्या होगा, एक बड़ा सा टेक्स्ट हो सकता है, तो इसमें मैं कोई भी यहाँ स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि कितना बड़ा कॉन्टेंट होना चाहिए, मैंने सिंपली क्या कर दिया, इसका टाइप स्ट्रिंग होगा। ओके, देन हम लोग आ जाते हैं स्टेटस पे। स्टेटस क्या होगी, हमारी एक बुलियन वैल्यू होगी, तो टाइप इज इक्वल टू बुलियन, और बुलियन में या तो वन हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि डिफॉल्ट में सारे के सारे क्या रहेंगे, वन रहेंगे। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि वन को मैं एक्टिव कंसिडर करता हूँ और जीरो को मैं इनएक्टिव कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वन मेरा एक्टिव है और जीरो मेरा इनएक्टिव है। स्टेटस क्या होता है, तो जनरली जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो या कोई अपना गूगल फेसबुक अकाउंट ओपन करते हो और वहां से आपको एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन टेम्पररी सस्पेंडेड, वो होता है स्टेटस की वजह से। जब तक आपका स्टेटस वन है तब तक आप एक्टिव हो, जैसे स्टेटस जीरो हो गया तो टेम्पररी सस्पेंड वाला मैसेज आपको दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो इसको मैं DOB ले लेता हूँ। इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, डेट होगा। ठीक है, इसका टाइप हमारा डेट रहेगा, और ये हम लोग
डिफॉल्ट में यहां पर भी हम कुछ नहीं रख सकते। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटेड एट, ठीक है। क्रिएटेड एट मतलब कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था, ये यूजर कब रजिस्टर हुआ, तो इसकी भी क्या होगी, एक टाइप होगा हमारा डेट। और इसमें हम लोग रखेंगे डिफॉल्ट में न्यू डेट एंड टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है। या हम लोग टू टाइम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हो उसके हिसाब से आप रख सकते हो। और टू टाइम भी हम लोग कर सकते हैं कि टू हम लोग इसको टाइम कन्वर्ट कर दें, गेट टाइम। इससे क्या होगा, इससे हमें एक मिलीसेकंड में हमें एक टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। अब जब हमें मिलीसेकंड में टाइम स्टैम्प मिल गया तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो उसको यूज कर सकती है। कि हम सपोज जावा में इस डेटा को भेजेंगे यहां से एपीआईज बनाकर, तो जावा इसको कन्वर्ट कर लेगी। हम पीएचपी में भेजेंगे एपीआईज बनाकर तो पीएचपी कन्वर्ट कर सकता है। हम अगर किसी और लैंग्वेज में जैसे हम फ्लटर में भेजते हैं तो फ्लटर भी इसको कन्वर्ट कर सकता है, बिकॉज हमने यहाँ कोई टाइम किसी फॉर्मेट का स्टोर नहीं किया है, हमने क्या किया है यहाँ पर टाइम स्टैम्प स्टोर किया है, ओके। एंड सिमिलरली अपडेटेड एट हम लोग बना लेते हैं, और अपडेटेड एट में भी क्या रहने वाला है, अपडेटेड एट में भी हम लोग यहाँ लेंगे कि डेट रहेगा। और यहाँ डिफॉल्ट में हम कुछ भी नहीं रख सकते, तो डिफॉल्ट हटा देना है और डिफॉल्ट की जगह आपको रखना है नल। तो अगर यूजर कुछ नहीं डालता, बाय डिफॉल्ट तो अपडेटेड एट होगा नहीं, जब यूजर क्रिएट हुआ है तब तो उसने कुछ अपडेट किया नहीं, सो इन दैट केस जो डिफॉल्ट है वो क्या रहेगा, नल रहेगा। अब हो सकता है कोई यूजर अपना जेंडर स्पेसिफाई ना करे, तो वहां पर भी डिफॉल्ट में आप क्या कर सकते हो, नल डाल सकते हो। और इस तरीके से ये हमारा पूरा एक स्कीमा रेडी हो गया, ओके। अब ये जो हमारा स्कीमा है वो हमें क्या करना है, एज अ मॉडल एक्सपोर्ट करना है। तो आपको सिंपली यहां पर लिखना होता है एक्सपोर्ट, एंड इसको या तो हम ऐसे कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट यूजर मॉडल इज इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल, ठीक है। मंगूस का एक फंक्शन है मंगूस डॉट मॉडल, उसका नाम रख दिया हमने यूजर, मॉडल का नाम क्या है यूजर, और बना कहां से है, तो यूजर स्कीमा से बना हुआ है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस कि यूजर नाम का मेरा क्या है, मॉडल है, और यूजर स्कीमा से बना हुआ है, और यूजर मॉडल फाइनली बन जाएगा। और हम यहां से कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने कर दिया इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मॉडल। अब ये जो आपने यहां से डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट किया है, इस मॉडल के साथ में काफी सारे फंक्शंस जुड़ के जाएंगे। कि अगर आपको इंसर्ट क्वेरी चलानी है, अपडेट क्वेरी चलानी, सेलेक्ट क्वेरी चलानी, डिलीट क्वेरी चलानी है, कुछ भी आपको चलाना है, स्कीमा बनाने के साथ में हमने इसको क्या किया, एक मॉडल बना दिया। तो अगर मैं आपको और थोड़ा सा डीप में समझाऊं तो हुआ क्या है कि मंगूस के पास जितने भी फंक्शंस थे इंसर्ट अपडेट डिलीट रीड के या कर्ड ऑपरेशन के जितने भी फंक्शंस थे, वो इसने इनहेरिट करवा के किसको दे दिए, यूजर मॉडल को दे दिए। अब आप इजीली अपने सारे के सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, और जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इसको यूज कर पाएंगे हमारे यूजर मॉडल को। जैसे फिलहाल मैं यहां पर ही इंपोर्ट करवा सकता हूं, इंपोर्ट यूजर मॉडल। वैसे हम लोग यहां पर जनरली करते नहीं है, बिकॉज हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर वाली अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो हम मॉडल व्यू कंट्रोलर में एक अलग से ही बनाएंगे और उसी से हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। बट हमें फिलहाल किस में जाना है, .model/user.js, ठीक है। तो इस फाइल से हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है, और आप देख सकते हो अभी भी कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। जब कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर इसको यूज करने का कोड लिख सकते हो, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली हम लोग करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं, उस कंट्रोलर में इसको इंपोर्ट करते हैं, और फिर उस कंट्रोलर की मदद से सारा काम कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में भी देखने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने ये समझ लिया कि कैसे हम लोग MongoDB की मदद से एक मॉडल बना सकते हैं और उसका एक स्कीमा बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग इस मॉडल की मदद से, कंट्रोलर की मदद से डेटा को पुश करवा सकते हैं हमारे MongoDB सर्वर पे। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरा फ्लो वर्क करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।